बाल्टीमोर का सबसे लंबा फॉरेंसिक स्कॉट ब्रिज मंगलवार सुबह एक बड़े मालवाहक जहाज से टकरा जाने के बाद पानी में ढह गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल के ढहने से पहले उसमें आग लग गई और कई वाहन नीचे नदी में गिर गए। जब पुल ढहा तो लगभग 7 श्रमिक और 3 से 4 गाड़ियां उस समय ब्रिज पर मौजूद थी। घटना के बाद पुल की तरफ जाने वाले सभी लेन को प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान जारी है। घायल और मृतकों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि मैरीलैंड के बाल्टीमोर में जो ब्रिज है उसकी लंबाई 1.6 मील 2.57 किलोमीटर है। इसका नाम फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है। फ्रांसिस स्कॉट की नाम से बने इस पुल को 1977 में खोला गया था। माना जा रहा है कि हादसे के दौरान ब्रिज पर लगभग 7 लोग मौजूद थे। इसका एक लाइव वीडियो YouTube पर पोस्ट किया गया है जिसमें एक जहाज को पुल से टकराते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही जहाज पुल से टकराता है उसके कई हिस्से टूटकर नदी में गिर जाते हैं। बाल्टीमोर सिटी फायर ब्रिगेड विभाग ने दुर्घटना को बड़ा बताया और कहा कि हमारी टीम नदी में सभी लोगों की तलाश में जुटी है। बाल्टीमोर फायर ब्रिगेड विभाग के संचार निदेशक केविन कार्ट्राइट ने बताया कि हम नदी में 7 लोगों की तलाश कर रहे हैं। बाल्टीमोर पुलिस ने कहा कि उन्हें मंगलवार सुबह करीब 1:35 पर इस घटना की सूचना मिली। जहाज पर सिंगापुर का ध्वज लगा हुआ था। जहाज का पंजीकृत मालिक ग्रेश ओशन PTI लिमिटेड है और प्रबंधक सिनरिज मरीन ग्रुप है। सिंगापुर के झंडे वाला कंटेनर जहाज पुल के एक खंभे से टकरा गया और 2 पायलटों सहित उसके सभी चालक दल के सदस्य इसमें सवार थे।